हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ESM सचिन बंसल में। दोस्तों, SBI क्लर्क 2023 नोटिफिकेशन हम सभी लोग देख चुके हैं और सभी की उम्मीदों से परे इस बार SBI ने बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली है, तो आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी बीच मैंने सोचा क्यों ना आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन दिया जाए। तो एक एस्पिरेंट के लिए सैलरी से बड़ा मोटिवेशन क्या होगा, तो इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ हमारे एक्स सर्विसमैन भाई और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाई SBI में एज ए क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो उनकी ग्रोथ सैलरी कितनी बैठेगी, क्या क्या उन्हें और एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेंगी। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाना चाहूँगा। तो सैलरी स्लिप आप सबने देखी, तो ये अपने ही एक्स सर्विसमैन भाई की है जिन्होंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था। ठीक है, तो आइए अब मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊं। तो सैलरी स्लिप हमने देखा कि बेसिक जो बैठती है, बेसिक बैठेगी SBI में, बैंक में जैसे कि जानते हैं पे फिक्सेशन होता ही है, तो बेसिक लगभग बैठता है आपका 47,920। उसके बाद DA, जो DA मिल रहा है SBI में, वैसे 46% चल रहा है इस समय, तो थोड़ा DA उसमें एक्स्ट्रा रहता है SBI में। ठीक है, तो वो लगभग 29,241। ये बेसिक और जो ये स्पेशल अलाउंसेस है इन दोनों पर मिलाकर ये मिलता है, DA मिलता है। उसके बाद HRE की बात करें तो वो क्लास Z में है, तो Z क्लास में है तो 9% मिलता है वो, तो वो लगभग 5,311। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 600, क्योंकि Z क्लास में है वो। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे एक होती है, ये एक सर्टिफिकेट एग्जाम आपको होता है, वो क्लियर करोगे आप तो उसके बाद आपको 1400 और एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसके बाद हिल अलाउंस क्योंकि वो हिल एरिया में पोस्टिंग है तो उन्हें मिलता है, तो ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हिल एरिया में पोस्टेड है। ठीक है, 2016 रुपीज़। उसके बाद मैं करूँ स्पेशल अलाउंस, ये लगभग स्पेशल अलाउंस मिलता है एक जो सभी बैंकों में मिलता है, ये लगभग IBPS में भी मिलता है, ये 7,858। और स्पेशल पे न्यू करके है ये 2,500, ये जो ग्रेजुएशन करने के बाद जो अलाउंस मिलता है, जो ग्रेजुएशन का है आपको अलाउंस एक मिलता है वहाँ पर, ये 2,500 ये अलग एक्स्ट्रा है। उसके बाद एरियर्स है, एरियर ऑफ अर्निंग ये 3,837, ये वेरिएबल टाइप है, ये आपको अलग अलग जब वहाँ पर आप अलग अलग काम करते हैं, जैसे मान लिया कैश में कुछ काम कर रहे हैं उसमें है तो दिनों के हिसाब से तब मिलता है, जैसे पूरा महीना करेंगे अगर आप कैश ऑफिसर का काम या उसका है तो ज़्यादा मिलेगा, ये कम दिन कर रहे हो तो कम मिलेगा, तो ये वेरिएबल रहता है। तो लगभग अगर हम सबको देखेंगे तो आपकी जो ग्रोस बैठेगी लगभग 1,685। देखिए कितनी सैलरी, 1,00,000 से ऊपर, इसमें आप बस हिल अलाउंस हटा सकते हैं, तो फिर भी Z क्लास में की बात कर रहा हूँ मैं, Z क्लास सिटी में आपकी, अगर क्लास X में है या Y में है तो और ज़्यादा हो जाएगी आपकी। ठीक है, 1,00,000 सैलरी आपकी बैठती है। अब मैं बात करूँ डिडक्शन की, तो इसमें डिडक्शन जो है एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन 5,182, इसी में इतना कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी करती है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इनकम टैक्स का डिडक्शन है, ठीक है, 7,000। उसके अलावा और ज़्यादा डिडक्शन इसमें नहीं है, जैसे बस यूनियन की है मेंबरशिप का 100 रुपये है केवल, और एक PF एरियर्स का है, पता नहीं ये 248 रुपीज़ ये कटता है एक। फिर ये अपना NPS जो कॉन्ट्रीब्यूटी पेंशन फंड है, ये 7,000 जो NPS वाला होता है ये, तो लगभग माने हम टैक्स मिलाकर लगभग 20,000 के आसपास, जिसमें आपकी सेविंग ही है, सेविंग भी काफ़ी है टैक्स अगर हम इनकम टैक्स को हटा दें तो, और सेविंग है आपकी, ये NPS हो गया और ये PF हो गया, तो ये आपकी सेविंग है। इससे अलग और क्या बेनिफिट है बैंक की में जो और जॉब में नहीं मिलेंगे आपको, लोन की फैसिलिटी है, लोन आपको 5% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे अलग आपको एक एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलता है, जैसे उसमें पेट्रोल, न्यूज़पेपर और ये सब मिलाकर 2-3 चीज़ों का होता है, वो भी 3,000-4,000 रुपये होता है। तो मेरे हिसाब से अब देखिए इतनी सैलरी आपको एक्स सर्विसमैन को और कोई नहीं देने वाला है। ठीक है, तो और क्या मोटिवेशन चाहिए। दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बस तैयारी में लग जाइए, आपको पता है प्रीलिम्स जनवरी में है और मेंस का एग्ज़ाम फरवरी में है, और 10 जनवरी से पहले पहले प्रीलिम्स हो जाएगा जो मुझे उम्मीद है,
और 10 फरवरी से पहले 1 महीने के अंदर फिर मेंस भी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं है और सीट अच्छी है इस बार, तो प्रीलिम्स तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा हर्डल है, मेन मेंस है। तो मेंस की तैयारी शुरू कीजिए, और तैयारी से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आपको मेरा नंबर मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है? आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल करके भी मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ भी आपको किसी भी तरह के और डाउट हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद। जय हिंद।